दोस्तों आज के समय में देश के लाखों युवा 10वीं या 12वीं की पढ़ाई के बाद भारतीय सेना में शामिल होने की कोशिशों में लग जाते हैं, जिनमें से काफी युवा जल्दी सुबह उठकर अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन अभी अभी सेना भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे दो युवाओं के बारे में उत्तर प्रदेश से बहुत ही दुखद खबर आ रही है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सेना भर्ती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दरअसल दोस्तों आज सुबह हलधरपुर थाना क्षेत्र के गढ़वा मोड़ के पास सेना में भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे दो युवाओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर कुचल दिया, जिसके बाद आनन फानन में सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने इन युवाओं को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने एक युवा को मृत घोषित कर दिया जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। दरअसल दोस्तों 14 वर्षीय आनंद प्रतिदिन सुबह भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगाता था, लेकिन आज जब वो अपने गांव गढ़वा से निकलकर मऊ बलिया राजमार्ग पर पहुंचा ही था कि अचानक पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसको जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल होने के बाद जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोस्तों हमारा सभी सेना भर्ती तैयारी कर रहे युवाओं से निवेदन है कि वे दौड़ के लिए कभी भी हाईवे या वाहनों से सक्रिय रास्तों का चुनाव न करें। वे पूरी कोशिश करें कि फिजिकल की तैयारी हमेशा खुले मैदान या ग्राउंड में पूरी सावधानी से करें, जिससे कि ऐसे दुखद हादसों से बचा जा सके। दोस्तों ऐसे ही सेना भर्ती को लेकर हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।